बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक एट होम विद फौजी। आज मैं ये कश्मीरी चाय बनाना सिखाती हूँ आपको। ये मेरी एक सिस्टर है, उनकी फरमाइश पे मैं बनाने लगी हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक पतीली के अंदर 4 कप पानी लेके, 4 कप पानी लिया है पतीली में डाल के और चूल्हा जला दिया है। पानी को हमने गर्म करना है। अच्छी तरह से पानी गर्म होता है तो इसके अंदर हम ये ग्रीन टी की जो चीज़ें हैं ये हम उसके अंदर डालते हैं। ये 2 चम्मच हमने लिया है और इसको अच्छी तरह से पकाना है। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लें ताकि ये इसका कायबा अच्छा बन जाए। सर्दी आ गया, सर्दियों में वैसे भी ये पिंक टी बहुत मज़े की लगती है और बहुत आसान है बनानी। ये देखें, इस ये बॉइल हो गई है। हमने 4 कप लिए थे, 4 कप में से जब 2 कप रह जाएं तो इसके बाद आपने इसके अंदर ना 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालना है। मेरे चूल्हे की आंच कुछ ज़्यादा थी जिसकी वजह से ये बॉइल हो गई है। इसको और अच्छी तरह से बॉइल करना है, साथ साथ में आप हिलाते रहें इसको। जब 2 कप रह जाए ये देखें, इसका हल्का हल्का सा रंग निकल रहा है। जब तक 2 कप पानी नहीं रह जाता तब तक आपने इसको बहुत अच्छे से पकाना है और साथ साथ हिलाते रहना है। और साथ ही मैंने एक सॉस पैन के अंदर 4 कप दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत चीनी डालते हैं और इसको भी बहुत अच्छे से पकाना है। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है, अब तक इसका कलर निकल आया है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर 2 कप ठंडा फ्रिज का पानी डालना है। वो डालने के बाद वंस अगेन इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ रहा है। और दूसरी साइड पे हमारा दूध भी बॉयल हो रहा है, इसको भी बहुत अच्छे से बॉयल करना है ताकि ये पक पक के ना गाढ़ा हो जाए। ठीक है, ये देखिए हमारा काहवा तैयार हो गया है और अच्छा खासा कलर मेरे बर्तनों को भी आ चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकालते हैं। ये देखिए हमने इसको अलग बर्तन में निकाल लिया है। अब जिस तरह का आपने कलर लेना है, हल्का या डार्क कलर, उस हिसाब से आप लोग ना दूध के अंदर डाल लें। हम डालते हैं थोड़ा सा और ताकि अच्छा कलर आ जाए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है, थोड़ा सा और डालते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ी सी देर इसको आप और पका लें। देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर लग रहा है। अब हम लोग इसको
कप में डालते हैं। ये देखें जी, हमने इसको कप में डाल लिया। अब हमने जो पिस्ता और बादाम बारीक बारीक काट के रखे थे वो ऊपर से डाल लेते हैं। और ये जो कहवा बना के रखा है इसको आप एक बोतल में डाल के रख लें और डाल के फ्रिज में रख लें, ये 2 से 3 हफ्तों तक बहुत आराम से रह सकता है। और जब आपका दिल करे दूध गर्म करें और उसके अंदर डाल लें। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये पिंक टी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।